सचिन पायलट इस वक्त दिल्ली में है और अमित शाह के साथ संपर्क में है। सिर्फ अमित शाह के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है और जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है। और ऐसी उम्मीद है कि उनके पास जो 23 विधायक हैं वो सभी 23 विधायक उनके साथ कहीं भी चलने को तैयार हैं। और वो सचिन पायलट के साथ राजस्थान छोड़कर आ गए हैं और अगर अब सचिन पायलट उनको बॉर्डर पर लेकर जाएंगे, सचिन पायलट उनके साथ बॉर्डर पर चलेंगे तो वो बॉर्डर पर जंग लड़ने को तैयार हैं। कुल मिला के इन 23 विधायकों ने सचिन पायलट को अपना नेता मान लिया है और उनका साफ कहना है कि अगर पार्टी में सचिन पायलट का सम्मान नहीं होता और सचिन पायलट पार्टी से निकलते हैं तो वो उनके साथ निकलेंगे। और इसीलिए बीजेपी की नज़र है सचिन पायलट पर। सचिन पायलट को उम्मीद है बीजेपी से कि जो सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में दिया वो उनको दिया जाए। जाहिर सी बात है सचिन पायलट वो चेहरा थे जिनको दिखाकर राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को। और ये बात साफ दिखाने के लिए थी कि शायद कांग्रेस जो युवा चेहरा चाहती है, जैसे कि वो युवा चेहरे दिखा देती है अपनी पार्टी के तीन, जिनमें थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और राहुल गांधी। राहुल गांधी को देश के लिए दिखाया जाता था, पायलट को राजस्थान के लिए और सिंधिया को मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैसे ही इन दोनों ने सरकार बनवाई वैसे ही इनको किनारे लगा दिया गया और मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। और तो और सिंधिया को तो राज्यसभा का सांसद पद भी ऑफर नहीं किया गया था, जिसके बाद वो बीजेपी में चले गए। और अब उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट, जिनकी ऐसी खबर है कि सरकार में काफ़ी कम चल रही है इसीलिए उन्होंने अब पार्टी से निकलने का लगभग फैसला ले लिया है और बहुत जल्द वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जो दूसरे राज्यों के हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और नाराज़ हैं कि पार्टी कुछ कर क्यों नहीं रही। जब हमारा घोड़ा हमारे अस्तबल में से निकलकर दूसरे के अस्तबल में चला जाएगा क्या हम तब कुछ करने का सोचेंगे। जाहिर सी बात है इससे पहले मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों को लेकर अपना आशियाना बदल लिया था और वो भाजपा के छांव के नीचे चले गए थे। अब देखने वाली बात होगी सचिन पायलट किस ओर बैठेंगे, वो वापस मानकर अपनी पार्टी में चले जाते हैं या फिर बीजेपी में जाकर जो उनको सम्मान चाहिए उस सम्मान के हकदार हैं और उस सम्मान के लिए वो बीजेपी में जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अगर सचिन पायलट भी सिंधिया के बाद चले जाते हैं तो एक बात तो साफ है, कांग्रेस की साख को पट्टा लगने वाला है मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में, और कांग्रेस की जो दुर्गति है वो इससे भी अगले लेवल पर होने वाली है अगले चुनाव में। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।